आईपीएल में बेंगलोर हुआ बेहाल, विराट हुए गुस्से मिला, अंपायर पर फूटा विराट का गुस्सा, विराट देखते रहे बेंगलोर हारता रहा। क्यों विराट ने बल्ला नहीं उठाया, क्यों विराट ने ऑरेंज कैप को ठुकरा। अब विराट को मिलेगा वार्नर का साथ, तभी बनेगी जीत की बात। विराट की टीम में कमी है, क्योंकि विराट की टीम निकम्मी है। विराट को कितना गुस्सा आता है ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और मेरे साथ आज शो में प्रवीण कुमार हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि कल जो गुस्सा आया विराट कोहली को, वो काफी हद तक जायज है। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं विराट कोहली कि वो आईपीएल जीते। इस साल उन्हें लगा कि शायद उन्होंने वो टीम बना ली है जो उन्हें आईपीएल जिता सकती है, लेकिन क्या हुआ ये हम सब ने देखा। खैर, और ज्यादा नहीं कहूंगा, ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि विराट को इतना गुस्सा क्यों आया। हार्दिक ने 5 गेंद पर 17 रन बना डाले और मुंबई की टीम 213 रन के स्कोर तक पहुंच गई। शुरुआती 4 ओवर में 40 रन बने तो लगा कि सब ठीक है। किसकी बात की जाए, डिविलियर्स 2 गेंद खेलकर पवेलियन लौटे, कोरी एंडरसन खाता तक नहीं खोल पाए, विराट नाबाद 92 रन की पारी खेलते हैं फिर भी उनकी टीम 46 रन से मैच हार जाती है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार विराट कोहली पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करने के बावजूद और नॉट आउट रहने के बावजूद अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। ये आंकड़े देखिए, बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 167 रन बनाती है जिनमें से 92 रन विराट के हैं, बाकी की पूरी टीम कुल 75 रन ही जोड़ती है। विराट ने 92 रन की पारी के साथ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इसके साथ कोहली ने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा किया। सितारों से सजी ये टीम 4 मैच खेलने के बाद पॉइंट्स टैली में 7वें नंबर पर है, 4 में से 3 मैच हार चुकी है। विराट के गेंदबाज 2 मैच में 200 से ज्यादा रन लुटा चुके हैं। विराट और डिविलियर्स को छोड़कर बेंगलोर के किसी भी बल्लेबाज ने एक अर्धशतकीय पारी तक नहीं खेली। तो देखा आपने, जायज है कि विराट बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर यहाँ पर मेरे साथ प्रवीण कुमार है। प्रवीण भाई, ये बताइए कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है इस बेंगलोर की टीम में, बैटिंग जो रन नहीं बना पा रही है या बॉलिंग जो पहले से कमजोर थी अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है लेकिन वाकई में हुई नहीं है ठीक? नहीं, बॉलिंग तो ये लगातार अच्छी कर रहे हैं। उमेश शुरू में ब्रेक थ्रू दिला रहा है और बीच में भी स्पिनर्स उनके अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन ने कुछ अच्छा नहीं किया, खो दिया। अभी तक तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आरसीबी का बैटिंग था, इस बार मतलब बैटिंग की वजह से टीम हार रही है। बिल्कुल 100%, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वो बैटिंग कर रहे हैं विराट कोहली सामने, तो आप कम से कम उनका साथ तो दें। सरफराज ने जिस तरीके से शॉट मारा, ठीक है ये भी डिविलियर्स को समझ सकते हैं कि पुल मारा सीधा हाथ में चली गई, बाकियों ने तो कुछ किया ही नहीं। बाकियों ने कुछ नहीं किया और यही है विराट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो फिलहाल इस आईपीएल में बहुत कुछ कर रहे हैं और आज उन दोनों का आमना सामना होगा। मैं बात कर रहा हूं केकेआर के एंड्रे रसेल और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन की। ये रिपोर्ट देखिए। मैदान पर राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक जरूर होंगे। संजू सैमसन ने मात्र 3 मैच में 12 छक्कों की मदद से 178 रन बना लिए। वहीं एंड्रे रसेल सबसे ज्यादा 19 छक्के लगा चुके। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को पिछले 13 मैचों में लगातार जीत मिली। प्रवीण कुमार फिलहाल क्रीज पर है, बैटिंग क्रीज पर, और हाथ में उनके बॉल है। मैं ये पूछूंगा कि संजू सैमसन और एंड्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों को अगर रोकना है, बॉलरों को, तो कैसे रोकेंगे, कहां डालना चाहिए बॉल? संजू सैमसन का सिंपल सा है, उसको तो गुड लेंथ बॉल आउट स्विंग, बस मेरा सिंपल से थ्योरी है, उसको तो अच्छा गुड लेंथ डालो, वो एक ना शॉट गंदा मार देता है, अपने आप आउट हो जाता है। अगर आप उससे बचने के लिए बॉलिंग करोगे तो फिर वो मार देगा। और जो बचने के लिए बॉल डालते हैं एंड्रे रसेल को, उसको कहां पे रोकें? उसको तो इसका बैटिंग स्टाइल ऐसे है तो बॉल उसे इस एरिया में चाहिए, उसको बॉल डालना है इस पैर पे। मतलब आप कह रहे हो कि रडार उसका एंड्रे रसेल का यहां पर, यहां है वो, यहां बॉल ढूंढता है, या फिर बॉल डालो उसको उधर बाहर की तरफ। सिंपल सी थ्योरी है, एक माइंडसेट तैयार करके चलोगे तो ठीक रहेगा बिल्कुल। चलिए, प्रवीण ने आपको बता दिया है कि एंड्रे रसेल को कहां बॉल करना चाहिए। उम्मीद ये कि शायद आज आरआर के बॉलर्स भी ये बात सुन रहे हो, देख रहे हो और समझ जाएं कि कहां डालना चाहिए। विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, ये तीनों अगर एक ही टीम में हो
तो वो ड्रीम टीम कहलाता। लेकिन मैं कहलाता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल अगर ये तीनों एक ही टीम में हो तो टेंशन बढ़ जा रही है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए आप। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने पहले क्रिकेट को किया शर्मसार, अब स्मिथ वार्नर की संगत में बिगड़ेंगे विराट। रवीन भाई, वैसे भी विराट और स्मिथ की तो पुरानी यारी है, बिल्कुल सरे पे अगर मिलेंगे तो टेंशन तो बढ़ने वाली है। नहीं, मुझे नहीं लगता टेंशन बढ़ेगी, खिलाड़ी हैं, आपस में मिलजुल के खेलेंगे, प्यार मोहब्बत से खेलेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई टेंशन होगी। पर क्या स्मिथ और वार्नर को खिलाना चाहिए काउंटी क्रिकेट, क्योंकि वो फिलहाल 12 महीने के लिए बैन में? नहीं, बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्रिकेट की वजह से वो लोग हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट ही उनका सब कुछ है, तो मेरे ख्याल में उन्हें जरूर खिलाना चाहिए और वो भी खेलने के लिए उत्सुक होंगे इस समय। खैर, अगर ये खेल पाएंगे या नहीं ये फिलहाल ईसीबी तय करेगा, लेकिन सरे के लिए विराट कोहली जरूर खेलेंगे। आज के शो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।